इंदौर विधानसभा के इंडेक्स कॉलेज में बने मतदाता केंद्र में उस समय कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू और अपर कलेक्टर के बीच तीखी बहस हुई, जब कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने एक छात्र को फर्जी मतदान करने से पहले पकड़ा। बता दें कि छात्र के पास आईडी कार्ड था, लेकिन उसका नाम और चेहरा उससे मैच नहीं हो रहा था, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और अधिकारियों के बीच काफी तीखी बहस हुई। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मतदान करने आए छात्र के आईडी कार्ड को जांच हेतु भेजा गया। उसको मतदान करने से भी रोका गया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस मामले में छात्र से पूछताछ कर रहे हैं। क्या शिकायत की है फिर आप लोगों ने अंदर? नहीं, ये प्रशासन पूरी तरीके से बिका हुआ है और इसके पर एसडीएम पे इन पे कार्रवाई होना चाहिए। एसडीएम को ज्ञान नहीं है। जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए पीठासीन 1-2, उनको ये नहीं पता है कि चैलेंज वोट क्या होता है। चैलेंज हम कर रहे हैं तो उसको चैलेंज का फॉर्म ही नहीं, बोले मैं जोनल अधिकारी से बात करता हूँ। इस तरीके से जो ना समझ ऑफिसर जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इनको रख के इनसे फर्जी मतदान फर्जी वो कराया जा रहा है। अभी आप लोगों ने फिर क्या? अरे अभी इसको पकड़ के दिया, उसके बाद भी उसको पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई। नहीं क्या है, मजाक बना दिया इलेक्शन कमीशन को। अभी ऑब्जर्वर आ रहे हैं, केंद्रीय ऑब्जर्वर, हमसे बात करेंगे। अभी हम आ रहे हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ आ रहे हैं, अभी बात की। मेरे को नहीं पता कहाँ है, मेरे को पता नहीं। यहाँ अंदर ले गए तो मेरे को लगता है कि उसको छोड़ दिया इन लोगों ने। प्रकरण आपने किया है? नहीं देखिए, ये एक स्थापित प्रक्रिया है कि अगर कोई जो पोलिंग एजेंट है वो ये चैलेंज करते हैं कि ये मतदाता की आइडेंटिटी सर्टिफाइड नहीं है और उनको ये डाउट होता है कि ये मतदाता फर्जी हो सकता है, तो उसकी एक स्थापित प्रक्रिया है कि उसको उनको चैलेंज करना पड़ता है। चैलेंज करने का एक प्रपत्र है, उसमें फीस भरी जाती है और फिर उसकी संक्षिप्त जांच का पूरा अधिकार पीठासीन अधिकारी को है। तो हमने उनको यही कहा कि आप स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार आप चैलेंज करिए, और चैलेंज करने के उपरांत उन्होंने चैलेंज किया विधिवत, उसमें जो फीस है वो जमा की, उसमें जो जांच है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा की जा रही है, उनका जो निराकरण होगा वो फाइनल होगा। सर संवेदनशील माना जा रहा है या बचे हुए जो घंटे बचे उसमें क्या स्थिति यहाँ पर रहेगी? नहीं, कोई संवेदनशीलता ऐसी नहीं है। जो स्थापित क्योंकि इलेक्शन में हर सब कुछ कोडिफाइड है, आप हर कुछ बाय द बुक चलना है। हमको जो भी डाउट आ रहा है उसमें जो भी प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपका नाम और डिजिग्नेशन? रोहन सक्सेना, मैं अपर कलेक्टर हूँ और अभी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से यहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख रहा हूँ। थैंक यू सर। पुलिस वाला न्यूज से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजय वर्मा की रिपोर्ट।